नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मारी यूट्यूब चैनल संजय पटेल में आप सबनु हार्दिक स्वागत छे। मित्रों, आजना वीडियो नी अंदर अपने धोरण 7 विषय छे हिंदी, जेनो पाठ 5मो के जे सत्र 2 नी अंदर आवे छे, जेनु नाम छे धरती की शान। आ पाठना स्वाध्यायना प्रश्नो अने तेना जवाबो विषे शीखवाना छीए। विद्यार्थी मित्रों, जो तमे मारी चेनल मां नवा होय तो मारी चेनल ने जरूरथी सब्सक्राइब करो। वीडियो सारो लगे तो लाइक करो, शेयर करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन करो, जेथी मारा आगळना नवा वीडियो पण आपने मळता रहे। तेमज विद्यार्थी मित्रों, आ पाठनी पीडीएफ जोवा माटे प्ले स्टोर में जे अमारी एप्लिकेशन विश्वगुरु एसटीडी एक्टिव बार गुजराती डाउनलोड करी तमारा मोबाइल में इंस्टॉल करो, जेमां आप एकदम फ्री में पीडीएफ जोई शकशो। जे शुरू करशो एटले आ प्रकारे जोवा मळशे, जेमां बधा धोरणनी अंदर धोरण बतावशे, धोरण पसंद करशो एटले विषय बतावशे, विषय पसंद करशो एटले पाठ बतावशे, जेमां वीडियो पर क्लिक करशो तो वीडियो जोई शकशो अने पीडीएफ पर क्लिक करशो तो पीडीएफ जोवा मळशे। तो आशा राखु छु अमारी एप्लिकेशन आप सौने गमशे, जरूर डाउनलोड करजो। तो चलो मित्रों, हवे शुरू करिए पाठ 5 धरती की शान। सौप्रथम अभ्यासना प्रश्नो, जेमां प्रश्न 1, काव्य का डीवीडी मोबाइल जैसे साधनों के माध्यम से सुनकर व्यक्तिगत या सामूहिक गान करवाना। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला, आप क्या क्या कर सकते हैं? तो मैं नदी में तैर सकता हूं, मैं कुएं से पानी निकाल सकता हूं, साइकिल चला सकता हूं, मैं पतंग उड़ा सकता हूं, मैं क्रिकेट में अच्छी बल्लेबाजी और गेंदबाजी कर सकता हूं, इस तरह मैं बहुत से काम कर सकता हूं। प्रश्न 2, विविध क्षेत्रों में मनुष्य ने क्या क्या प्रगति की है? तो रासायनिक खाद और ट्रैक्टर बनाकर मनुष्य ने कृषि में अनाज का उत्पादन बढ़ाया है, विद्युत शक्ति से चलने वाली मशीनों द्वारा उसने औद्योगिक क्षेत्र, कपड़ा, प्लास्टिक, रबर आदि से तरह तरह के उत्पादन किए हैं, भवन निर्माण क्षेत्र में उसने अनोखी सफलता प्राप्त की है, मोटर, बस, रेलगाड़ी, दुपहिए वाहन आदि के निर्माण से यात्रा बहुत सुगम हो गई है, टेलीफोन, मोबाइल, ईमेल के द्वारा संचार व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव आया है, कंप्यूटर के आविष्कार ने हर एक क्षेत्र में अपनी उपयोगिता साबित कर दी है, चिकित्सा क्षेत्र में तरह तरह की दवाइयां और इलाज के नए साधन खोजे गए हैं, इस तरह विविध क्षेत्रों में हमने अद्भुत प्रगति की है। प्रश्न 2, अन्य जीवों से मनुष्य महान कैसे है? तो मनुष्य के पास अन्य जीवों की अपेक्षा सोचने समझने की विशेष बुद्धि है, इस बुद्धि के द्वारा उसने अनोखे आविष्कार किए हैं, मनुष्य को वाणी का वर मिला है, उसके पास भाषा की शक्ति है, इसके बल पर उसने सभ्यता और संस्कृति का विकास किया है, इस प्रकार मनुष्य अन्य जीवों की अपेक्षा महान है। प्रश्न 4, काव्य में उल्लिखित प्रकृति के तत्व बताइए और उनके समानार्थी शब्द दीजिए। तो काव्य में उल्लेखित प्रकृति के तत्व और उनके समानार्थी, जिसमें धरती का होगा भूमि और पृथ्वी, पर्वत का होगा पहाड़, नदी का सरिता, माटी का मिट्टी, अंबर का आकाश, अग्नि का आग और पवन का होगा हवा। प्रश्न 3, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए और शब्दकोश में से उसका अर्थ ढूंढकर बताइए। तो हृष्ट पुष्ट का होगा तगड़ा, हट्टा कट्टा, संवाद का होगा बातचीत, शीघ्र का होगा जल्दी, जौहर जिसका होगा पराक्रम, और युद्ध में शत्रु की विजय निश्चित हो जाने पर राजपूत स्त्रियों का अग्नि कुंड में जल मरना। 5वां, अजनबी का होगा अपरिचित, वेदांत का होगा ब्रह्म विद्या, मुकद्दर का होगा भाग्य, शागिर्द का होगा शिष्य, वृत्ति का होगा मनोदशा, मन का झुकाव, और स्पष्ट का होगा साफ साफ। प्रश्न 4, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ बताइए। पहली पंक्ति, पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल, तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है, जिसका भावार्थ है, हे पृथ्वी के पुत्र, तेरे पास हिमालय जैसा ऊंचे दर्जे का दिमाग है, तू अगर क्रोध में अपनी भौं तिरछी कर दे तो उसका वही असर होगा जो शिव के तांडव की ताल में होता है। दूसरा, गुरु सा मतिमान पवन सातु गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे, जिसका भावार्थ है मनुष्य, तुझ में महान देव गुरु जैसी बुद्धिमता है और तू पवन की तरह गतिशील है,
तू आकाश से भी ऊंचे पहुंचने की शक्ति रखता है। विद्यार्थी मित्रों अभ्यास प्रश्नों पूरा थाय छे, हवे जोईए स्वाध्याय प्रश्नों, जेमां प्रश्न एक, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, मनुष्य क्या क्या कर सकता है? तो मनुष्य पहाड़ों को तोड़ सकता है, वह नदियों के बहाव को मोड़ सकता है, वह मिट्टी से अमृत निकाल सकता है, यह धरती और आकाश को एक कर सकता है। इस प्रकार मनुष्य असंभव लगने वाले काम भी कर सकता है। प्रश्न बे, मनुष्य युग का आह्वान कैसे कर सकता है? तो मनुष्य की वाणी में बड़ी शक्ति है, वाणी के बल पर वह लोगों को प्रभावित कर सकता है, वह लोगों के विचार बदल सकता है। इस प्रकार अपनी वाणी के प्रभाव से मनुष्य युग का आह्वान कर सकता है। प्रश्न तीन, मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो क्या क्या हो सकता है? तो मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो धरती पर पापों को बढ़ने से रोका जा सकता है, दुनिया में बढ़ने वाली पशुता कम हो सकती है। इस प्रकार मनुष्य यदि हिम्मत करे तो दुनिया को बदला जा सकता है। प्रश्न दो, उचित जोड़ मिलाइए जिसमें मनुष्य की आत्मा में स्वयं भगवान है, दूसरा मनुष्य के नयनों में ज्वाल है, मनुष्य की भ्रुकुटी में तांडव का ताल है, मनुष्य की वाणी में युग का आह्वान है, मनुष्य की छाती में महाकाल है। प्रश्न चार, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प के सामने का चिन्ह कीजिए। तो पहला, मनुष्य चाहे तो काल को थाम ले, मनुष्य चाहे तो धरती को अंबर से जोड़ दे, मनुष्य चाहे तो माटी से अमृत निचोड़ दे। प्रश्न चार, दिए गए शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला, अमृत का विरुद्धार्थी होगा विष, वाक्य शंकर जी ने विष पी लिया था। दूसरा, वरदान का होगा अभिशाप, जिसका वाक्य है दहेज प्रथा एक सामाजिक अभिशाप है। तीसरा, ऊंचा का होगा नीचा, जिसमें वाक्य है शर्म से उसका सिर नीचा हो गया। पाप का विरुद्धार्थी होगा पुण्य, वाक्य विद्या का दान बहुत बड़ा पुण्य है। पांचवा, जीवन का होगा मृत्यु, जिसका वाक्य होगा वीर पुरुष मृत्यु से नहीं डरते। प्रश्न पांच, नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में रखकर उनका अर्थ शब्दकोश में से जानिए और लिखिए। तो शब्दकोश के क्रम में और उनका अर्थ, पहले होगा आईना, जिसका अर्थ होगा दर्पण, क्षति का होगा हानि, झंकार तो पायल सितार आदि की ध्वनि, तूफान का हवा पानी की भीषण आंधी, नयन का होगा नेत्र आंख, वरदान का होगा कृपा और शीश का होगा मस्तक माथा। विद्यार्थी मित्रों, अहीं आपणो पाठ पांच धरती की शान ना स्वाध्यायना प्रश्नों अने तेना जवाबो पूरा थाय छे। आगळना पाठना स्वाध्यायना प्रश्नों अने तेना जवाबो मेळवा मारी चेनलने जरूरथी सब्सक्राइब करो, तेमज पीडीएफ जोवा माटे प्ले स्टोरमांथी अमारी एप्लिकेशन विश्वगुरु एसटीडी बार गुजराती डाउनलोड करो, जेमां आपने धोरण 7 તમામ વિષયના સ્વાધ્યાય સોલ્યુશનની પીડીએફ મળી રહેશે। તો આશા રાખું છું અમારી એપ્લિકેશન આપને ગમશે, જરૂર ડાઉનલોડ કરજો, જે એકદમ ફ્રી છે। ફરી મળીશું નવા પાઠ સાથે, ત્યાં સુધી આવજો।